साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से संवाद कर 6.47 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। सूरजकुंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से संवाद कर 16.15 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का जताया आभार, कहा अयोध्या में प्रभु श्री राम के साथ निषाद राज भी होंगे विराजमान। सचिव ने दी जानकारी, कहा 22, 23 व 24 जनवरी को एनआई और 29, 30 व 31 जनवरी को बिजली से संबंधित मामलों को लेकर होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दी जानकारी, कहा आगामी 13 जनवरी को लखनऊ में देश भर से जुड़ेंगे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता। एसडीएम सदर के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विपक्षियों पर साधा निशाना, कहा राम मंदिर निर्माण पर तय करें कि वह किस धर्म के हैं। और गोला पुलिस ने गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करने वाले 6 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद के संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम में 6.47 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना, आयुष्मान आवास योजना, पीएम स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व कंबल वितरण किया। साथ ही कार्यक्रम के शुरुआत में सबको विकसित भारत संकल्प यात्रा की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा नन्हे मुन्ने बच्चों का अन्नप्राशन भी कराया। इस मौके पर सदस्य सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक महेंद्र पाल सिंह, विपिन सिंह, श्रीराम चौहान, प्रदीप शुक्ला, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित अन्य मौजूद रहे। Thank you.
आइए जाएगी भारत माता की विकसित भारत संकल्प यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर हम सभी के प्रेरणा स्रोत परम सम्मानीय महाराज जी का गोरखपुर की पिपराइस विधानसभा की धरती पर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में विधान परिषद सदस्य सम्मानित डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के हमारे सदर के सांसद सम्मानित रवि किशन शुक्ल जी, और रसोई गैस का सिलेंडर वो आपके पास है क्या? पहले से है, ठीक है। और क्या चाहिए आपको? जो मिला है सब अच्छा है ना। आप बताइए पहले कैसे रहते थे? कच्चा मकान में रहते थे, अब पक्का मकान। आप खुश है ना? खुश है। चलिए बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। ठीक है, हम अगले लाभार्थी पीएम स्वनिधि योजना से आच्छादित श्री दिनेश पांडे जी को आमंत्रित करेंगे बड़े काजीपुर से। बताइए पांडे जी, कितना पैसा मिला आपको? पहले किस्त ली है आपने? 10,000 पहले लिए थे, उसको वापस कर दिया था।
अब 20,000 का आपने लिया है, तो क्या काम कर रहे हैं आप? अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक ठाक चल रहा है काम। आप इनको डिजिटल पेमेंट के साथ किए हैं या 30वीं किस्त के लिए आवेदन कर दिया? बहुत सुंदर। परिवार में कितने लोग हैं? काम चल लेता है इससे? ठीक है, बहुत सुंदर, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आपको बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आयुष्मान योजना के लाभार्थी श्री अनिल चंद जी को हम आमंत्रित करेंगे। अनिल जी बताइए, आपको क्या मिला है? आपको सच किए ऑपरेशन हुआ है आयुष्मान से का। अच्छा, उसका लाभ मुझे मिला है सर। ठीक है, कार्ड कब बनाया था आपने? कार्ड तो हम 6 महीना पहले, 8 महीना पहले। आयुष्मान भारत का? जी सर। कहाँ ऑपरेशन कराया? गोरखपुर सचिव। ठीक है, कोई पैसा तो नहीं लगा? कोई पैसा नहीं लगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण को धन्यवाद। इसी क्रम में हम आमंत्रित करेंगे श्री रमेश चौहान जी को, संझाई गांव से ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अगले लाभार्थी, और रोजगार हेतु पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी श्री राजेश गुप्ता जी को टाउन हॉल से। विमला जी तक आवाज पहुंच रही है, आप गलत ले गई हैं कार। फिर हम आमंत्रित करेंगे ब्रजेश यादव जी। ब्रजेश यादव जी आयुष्मान योजना के लाभार्थी, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी श्रीमती शशिकला जी सिक्टौर प्रांत से। सादर से धन्यवाद महोदय। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण के सानिध्य में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम तालियों के साथ नववर्ष के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन एवं समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधिगण को सादर धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें कृतसंकल्प। पहले गरीबों के राशन पर डकैती पड़ जाती थी, गरीब को मिलता ही नहीं था। आज हम प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। पहले गरीब स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में दम तोड़ देता था, आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की हर साल स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। पहले गरीब के पास आवास नहीं होता था, वो झोपड़ी के नीचे जैसे तैसे गुजर बसर करता था। आज देश के अंदर 4 करोड़ और प्रदेश में 55 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिल गया है। पहले गरीब के घर में शौचालय नहीं हुआ करता था, उसको जहां तहां जाना पड़ता था, नारी गरिमा के सामने प्रश्न खड़ा होता था। आज देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के और प्रदेश में 3 करोड़ गरीबों की फ्री में शौचालय बनाने के काम हुए। पहले गरीब के घर में भोजन बनाने के लिए ईंधन नहीं हुआ करता था, न रसोई गैस के सिलेंडर मिलते थे, न उसको केरोसिन मिल पाता था, न उसको कोयला मिल पाता था, न लकड़ी मिल पाती थी, बरसात में और भी खराब स्थिति होती थी।
आज देश के अंदर 10 करोड़ गरीबों को और उत्तर प्रदेश में 1,75,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर के कनेक्शन उपलब्ध हो गए और प्रदेश सरकार ने दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर देने का भी संकल्प लिया है जो हमने प्रारंभ कर दिया है। भाइयों बहनों, ये सब काम इसलिए जैसे गरीब के चेहरे पर खुशहाली आए, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन हो सके, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, गांव में जहां गरीब निवास कर रहा है वहीं पर उसको मकान का मालिकाना अधिकार देंगे पीएम स्वामित्व योजना में, किसान के लिए पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जो आज हर गरीब के जीवन में परिवर्तन का कारक बन रही है और इन योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन का परिणाम हम सब एक संकल्प के साथ आगे बढ़ सकेंगे कि 2047 में जब हमारा देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तो शताब्दी महोत्सव के अवसर पर हम एक विकसित भारत देख पाएंगे, एक ऐसा भारत देख पाएंगे जिस भारत में गरीबी नहीं, अभाव नहीं, अशिक्षा नहीं, अव्यवस्था नहीं, असुरक्षा नहीं, बल्कि जिस विकसित भारत में दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य होगी। शनिवार को दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूरजकुंड में भाजपा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16.15 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। लोकार्पण व शिलान्यास के कार्यों में जरूरतमंद लोगों के लिए कल्याण मंडपम का शिलान्यास भी शामिल है जिसका भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जरूरतमंद लोगों के मांगलिक व अन्य कार्यों के लिए कल्याण मंडपम का भूमि पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह 1.90 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। इसमें हॉल तथा ऊपर नीचे 4-4 कमरे होंगे। इसी तरह से कल्याण मंडपम राप्ती नगर, राम जानकी नगर, मोहरीपुर, नथमलपुर आदि स्थानों पर भी बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग मैरिज हॉल का खर्च वहन नहीं कर सकते सरकार उनके लिए कल्याण मंडपम की व्यवस्था कर रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व कंबल वितरित किया। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन तथा नन्हे बच्चों का अन्नप्राशन व गर्भवती महिलाओं की गोद भराई भी किया। कार्यक्रम में सांसद रविकिशन शुक्ला, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। शांति रोगादयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म
भी योजना थी, यानी हर तबके के लिए एक नई योजना, ठीक है ना। तो मोदी जी को धन्यवाद बोलोगे? बिल्कुल बिल्कुल, तहे दिल से धन्यवाद आपका और मोदी जी का और सभी लोगों का धन्यवाद हमारे। इनको पहचानते हैं? जी बिल्कुल पहचानते हैं, अभी मुलाकात की है कार्यक्रम के थे। बिल्कुल, कहाँ? कालीबाड़ी साई मंदिर पे आए थे। कौन? रवि किशन जी। क्या कर रहे थे वहाँ? आए थे अपना आशीर्वाद देने लोगों का, हलचल लेने के लिए। भजन कीर्तन हो रहा था, उत्साह मना रहे थे। अच्छा अच्छा, आने वाले खुशियों का भी व्यतीत कर रहे थे। जैसे तो आप भी कालीबाड़ी बाबा के चेले हैं क्या? जो आप कह सकते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। जी धन्यवाद धन्यवाद। अब हम आयुष्मान योजना के अगले लाभार्थी श्री यार मोहम्मद जी को आमंत्रित करेंगे। यार मोहम्मद जी, आपको आयुष्मान का कार्ड मिला है? जी सर, मिला हुआ है। अच्छा जी, कितना पैसा इसमें मिला पे? सर इसमें पैसा नहीं मिला सर, वो जो है कार्ड कितने का है? सर 5 लाख का। 5 लाख का, आपने कहीं भी उसका लाभ लिया? जी सर लाभ लिया। क्या लिया है? नहीं का सर, ऑपरेशन कराया बाबा के। कितना पैसा हुआ खर्च उसमें? सर उसमें हम बता नहीं। कार्ड से कितना कटा? अरे लमसम 25-30 लाख। कहाँ ऑपरेशन कराया था? यहाँ। अच्छा, तो एक भी पैसा आपको देना पड़ा कि नहीं देना? नहीं, नहीं, उसी कार्ड से सब हो गया। चले बधाई, यही देखे, यही मोदी जी की गारंटी है कि आप किस जाति के हैं, किस मजहब के हैं, किस पंथ के हैं, ये सब नहीं पूछा जाता है। गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उसके अनुसार उस प्रकार की योजना। तालियों के साथ इस नववर्ष पर रेणु जी को उनके आवास का प्रमाण पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी। इधर देखिए, इधर घूम जाइए, इधर इधर। पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थी सिलाई के व्यवसाय के लिए। नेक्स्ट आयुष्मान योजना की लाभार्थी के रूप में श्री समीर जी को आमंत्रित करेंगे। इधर देखिए। और तालियों के साथ समस्त सम्मानित मंचा सिंह अधिनियम के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद प्रेषित की सम्मानित जनप्रतिनिधि। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम बटन दबा के तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद की एक और नई सौगात 1615 लाख रुपए की 29 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज से 9 वर्ष पहले क्या कोई ये कल्पना करता था कि ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे का इतना अच्छा कार्य होगा? लेकिन आज यह हकीकत है। आज से 6 वर्ष पहले गोरखपुर में एक जहाज आता था, वह भी कभी कभी आता था, और आज 14 जहाज प्रतिदिन गोरखपुर में आते हैं, प्रतिदिन 14 जहाज। वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री जी स्वयं गोरखपुर आए। बंद कारखाना, फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चल रहा है, और गोरखपुर में बीमारी के उपचार के लिए एम्स बन करके आज जनता को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। बीमार बीआरडी मेडिकल कॉलेज आज चिकित्सा का उत्तम केंद्र और उत्कृष्ट केंद्र बन करके लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज की परिकल्पना साकार हो रही है। गरीब को मकान मिल रहा है तो मकान में बिजली भी मिल रही है, उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी मिल रहा है, फ्री में राशन भी मिल रहा है, और हर घर नल की योजना भी साकार हो रही है। भाइयों बहनों, ये जितनी भी योजनाएं हैं
और ये केवल उसी तबके के लिए नहीं, अगर हम देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्रम में बेटी के जन्म लेने से लेकर के उसके शादी होने तक सरकार पैसा दे रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पहले मातृ वंदना योजना से शुरू होता है, फिर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से शुरू होता है, फिर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना लागू होती है, फिर प्रधानमंत्री मुद्रा की योजना भी लागू हो जाती है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार की योजना भी लागू होती है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना का लाभ भी ले सकते हैं, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी ले सकते हैं। अयोध्या में जहां 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निषाद राज की प्रतिमा व माता शबरी के नाम से भोजनालय बनाए जाने पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि निषाद समाज गौरवान्वित है कि प्रभु श्री राम के साथ निषाद राज की प्रतिमा भी अयोध्या में लगाई जा रही है। वाला एक दुख देने वाला, तो रावण राज को खत्म करने के लिए निषाद राज और भगवान राम की सेना लेकर खत्म हुआ था। इस युग में भी दुख देने वाले राज को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निषाद पार्टी ने। हम लोग गौरवान्वित हैं कि निषाद राज कभी भगवान राम के आप बाल सखा थे। उस इतिहास को पुनः, यहाँ इनको केवटा मल्हावा बिंदवा कहा जाता था, अब कम से कम उसके बहाने सम्मान प्राप्त करेंगे। आश्रय स्थल निषाद राज के नाम से, प्लस जो 7 ऋषियों का जो उसमें मूर्ति लग रही है उसमें निषाद राज की भी मूर्ति लग रही है उस अयोध्या में, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और माता सबरी के नाम से जो हमारे भोजनालय है वो भी एक है कि कम से कम एक जिस तरीके से सबरी के घर भगवान राम गए थे, उसी तरीके से इस युग में एक निषाद राज के घर में मोदी जी आकर अनुग्रहित किए हैं और ये हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वावधान में 22, 23 व 24 जनवरी के NI एक्ट से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें NI एक्ट से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। वहीं 29, 30 व 31 जनवरी को विशेष लोक अदालत के तहत बिजली से संबंधित विभिन्न वादों का निस्तारण भी किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अपर जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामकृपाल ने बताया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में दिनांक 22, 23, 24 जनवरी 2024 को NI का विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें NI से संबंधित जितने भी मामले हैं उनको सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करने का पूरा भरसक प्रयास किया जाएगा। और 29, 30, 31 जनवरी 2024 को बिजली से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है, इसमें बिजली से संबंधित जो भी मामला है उस दिन उसका निस्तारण किया जाएगा। सर, नागरिकों से क्या अपील करना चाहेंगे? नागरिकों से विशेष अपील है हमारा कि जो भी मामला NI से संबंधित हो, बिजली से बिल से संबंधित हो, इस विशेष लोक अदालत में आकर के अपना भरपूर लाभ उठाएं। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन, मैं हूँ दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी वन गोरखपुर का नंबर वन चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर वन चैनल सिटी वन चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने सर्किट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर बताया कि आगामी 13 जनवरी को निषाद पार्टी द्वारा लखनऊ के रामा देवी पार्क में संकल्प दिवस मनाया जाएगा।
जिसमें प्रदेश से ही नहीं पूरे देश भर के निषाद पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित होकर निषाद पार्टी के मिशन को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। 13 जनवरी 2013 इस मछुआ समुदाय के लिए और हमारे लिए भी अहम दिन है। 13 जनवरी 2013 को मैं निषाद राज के किले पर गया था और हृदय परिवर्तन वहाँ हुआ था और जिस तरीके से त्रेता ने में भगवान राम के अंदर निषाद राज ने एक भगवान की शक्ति देखी थी, उसी तरीके से हमने 13 जनवरी 2013 को इस मछुआ समुदाय के अंदर खून में मली हुई इनके वोट में कितनी शक्ति है और राजनीति में कितनी शक्ति है, एकता में कितनी शक्ति है, इनका एक गौरवशाली इतिहास मैंने देखा था। उसे कायम करने के लिए उस दिन 23 लोगों ने संकल्प लिया, फिर 2300, फिर 23,000, अब लगभग 23 लाख लोग हमारे कार्यकर्ता लगभग हो गए हैं। इसलिए इस बार हम लोग लखनऊ में रमा देवी अम्बेडकर पार्क में हर साल हम लोग संकल्प बनाते हैं, 11वां संकल्प दिवस है। ये सब लोग संकल्पित कार्यकर्ता बनकर अपने उस खोए हुए वैभवशाली इतिहास को, अपने उस मान सम्मान स्वाभिमान को प्राप्त करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं और लोगों को, कुछ लोगों को अलविदा भी कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने इनका वोट लेकर इनके साथ धोखेबाजी किया, इनके हिस्से पर कब्जा किया, उन धोखेबाजों से अलविदा लेना चाहते हैं और जो इनके हिस्से की तरफ चिंतन करके मनन करके कानून बनाकर नीत बना कर देगा उसके साथ रहने के लिए संकल्प लेते हैं। तो पिछली सरकारों ने तो इनके लिए धोखा ही धोखा दिया, अंग्रेजों मुगलों ने तो से लड़ाई था, पिछली सरकारों ने भी कानून बनाकर उजाड़ा था, आज कानून बनाकर इनकी नीत बनाकर इनके प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना है, इनके लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा है, इनके लिए किसान क्रेडिट फिशरीज क्रेडिट कार्ड है, इनके मछुआ कल्याण कोष है, इस तमाम नीतियों से इनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की तरफ आगे लाया जा रहा है। तो उस दिन एकता का शक्ति का चूँकि प्रेरणा, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति का मतलब होगा दोस्त कौन है दुश्मन कौन है, और जागृति से सोच विकसित होती है, तो इनकी सोच बदलने के लिए निषाद राज की भगवान राम की एक सोच थी कि उस समय जनता के लिए सुख देना था, नीत बनाई थी, तो सोच बदलने के लिए ढेर सारे नेता आए, दलितों में कांसी राम पैदा हुए, यादव में माननीय मुलायम सिंह पैदा हुए, ब्राह्मण समुदाय में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए। और शासन के निर्देश के क्रम में माह के पहले व तीसरे शनिवार को लगने वाले तहसील समाधान दिवस के क्रम में माह के पहले शनिवार को सदर तहसील सभागार में SDM सदर मृणाली अविनाश जोशी के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस में आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर मौजूद संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए। जितने अधिकारी बैठे बेकार हो जाए, बहुत जल्दी देखो भाजपा सरकार में बना रहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि विपक्षियों के समय ही जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा था तब विपक्षियों ने ही गोलियां चलवाकर कार्य को बंद कराया था।
आज वही लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। पहले इन्हें यह निश्चित करना चाहिए कि यह किस धर्म के हैं। आज के दिन में लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता ही जज है, ईश्वर का एक रूप है और वो तय करती है किसे किसकी आवाज़ रखनी है, किसकी आवाज़ बंद कर देनी है और उसका जवाब धीरे धीरे इन्हीं लोगों ने राम मंदिर को बनाने के समय उस समय गोलियां चलवाई थी लोगों के सहयोग से, उस समय उनकी सरकारें चल रही थी। आज राम मंदिर बन रहा है, मंदिर एक आस्था का केंद्र है लोगों के हर एक धर्म। ये लोग बयान देने वाले अपने धर्म को पहले स्थापित करना चाहिए कि मैं इस धर्म में नहीं, इस धर्म में हूँ और इस धर्म का पालन करता हूँ, या हम धर्मी नहीं हैं, अधर्मी हैं, यह तय कर लें तब कोई आवाज़ निकालनी चाहिए। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गोला थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करने वाले 6 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान चिल्लोपार थाना क्षेत्र के रहने वाले गैंग लीडर गोलू, गैंग सदस्य अवधीश कुमार, फैजान मोनू उर्फ नूर मोहम्मद, मुंशी उर्फ औरंगजेब व चिराग उर्फ नजरे आलम के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक दक्षिणी जितेंद्र कुमार ने बताया, जनपद गोरखपुर में एसएसपी सर के द्वारा अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो लगातार अभियान चलाया जा रहा है उसी के क्रम में थाना गोला पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस अभियोग में जितने भी अभियुक्त हैं वो पूर्व में गोवंश की तस्करी में संलिप्त रहे हैं और ये गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करते थे। इन सब के विरुद्ध नियमानुसार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा गैंग चार्ट का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आज थाना गोला पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। दिन भर में बस इतना ही, आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। संझाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से संवाद कर 6.47 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। सूरजकुंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लाभार्थियों से संवाद कर 16.15 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री का जताया आभार, कहा अयोध्या में प्रभु श्री राम के साथ निषाद राज भी होंगे विराजमान। सचिव ने दी जानकारी, कहा 22, 23 व 24 जनवरी को एनआई और 29, 30 व 21 जनवरी को बिजली से संबंधित मामलों को लेकर होगा विशेष लोक अदालत का आयोजन। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने दी जानकारी, कहा आगामी 13 जनवरी को लखनऊ में देश भर से जुड़ेंगे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता। एसडीएम सदर के नेतृत्व में तहसील समाधान दिवस का हुआ आयोजन। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने विपक्षियों पर साधा निशाना, कहा राम मंदिर निर्माण पर तय करे कि वह किस धर्म के हैं। और गोला पुलिस ने गैंग बनाकर गोवंश की तस्करी करने वाले 6 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साई प्रणाम।